बड़े बड़े राजा भिगमंगे हो गए क्योंकि उनका दिमाग नहीं काम करता था, लेकिन विवेकानंद राजा की तरह रहे। तुम बस एक चीज का डेवलपमेंट करो, समझदारी। तुम जाके क्लास में डेड की तरह मत बैठ जाओ, पहले पावरफुल बनो फिर इंसान। अगर सिर्फ इंसान बन गए तब मारे जाओ, सिर्फ अपने लिए काम करो, पहले पावर आ जाए तब कुछ भी करो। और वो इंटरव्यू बोर्ड में पूछेंगे क्यों आईएएस बनना चाहते हो, सर मैं समाज की सेवा करना चाहता हूं, दो तीन हाथ मार के भगा देंगे सब, बाल पकड़े मारेंगे चटा। तुम्हारी अच्छी बातों से बहुत कमजोर दिमाग के लोग इंप्रेस होते हैं। जैसे तुम मोदी जी के साथ बैठे और तुमने कहा कि सर झूठ नहीं बोलना चाहिए, भगा देंगे तुमको उठा। और जो तुम्हारा इंटीरियर के सामने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है, टॉप फ्लोर वाले बिल्डिंग फ्लैट, इसको दे दो, कितने का है, 8.5 करोड़ का, दे दो उसको, जाओ रहो। ऐसा नहीं कि लड़कियां बदमाश हैं, बदतमीज हैं। पहले जमाने की लड़कियां बहुत अच्छी होती थी, कमजोर थी। कमजोर थी, एजुकेशनल राइट वॉज एबसेंट। When they were married by their father used to say to them, you know, if you come back from there, your only destination will be the cremation ground. Historical novels पढ़ो, रोने लगोगे, रोने, you start crying. मार रहा है आदमी औरत को, बीमार है, बुखार में है, शरीर जल रहा है, मेंसुरेट हो रही है, फिर भी आदमी उसके साथ सेक्स कर रहा है, मर गई, उसको उठा के फेंका है, जला है। आदमी को औरत के मरने का डर नहीं था क्योंकि आदमी को सती नहीं होना था ना। औरत बिचारी चंद्रमा की पूजा करती थी कि ये मरे ना बदतमीज, ये मर गया तो मुझे इसको ऊपर बैठ के जाना पड़ेगा। सती सिस्टम। तो लोग कहते थे कि औरतें बड़ा, पहले जमाने की औरतें बहुत प्यार करती थी, कोई प्यार व्यार नहीं करता, किसी की जिंदगी उलझा दोगे प्यार नहीं करेगी, अब करा के दिखाओ। औरतें शादी होके आ रही हैं, सासू से कह रही सोडा रखी हो घर में, पापा ने स्कॉच की बोतल दिया था, पता नहीं कहाँ रखी हुई स्कॉच की बोतल। सासू वहां पर इजहार कि बदतमीज स्कॉच की बोतल लाई है, हाँ पापा ने दिया था, पापा के साथ ही बैठ के पीते थे। मामा वो सोडा दे दो और थोड़ा सा वो काजू फ्राई कर दो थोड़ा सा। कोई बदतमीज नहीं हुआ है, कोई गलत नहीं है दुनिया में। It depends always on you how the people in front of you will behave with you. वो चाहे आदमी हो चाहे औरत हो। और वो चाहे जानवर हो। कुछ लोग रहे, तुम देखो कुछ लोगों को चल रहे कुत्ता बैठा उसको पैर खींच के मार दिए। अब 10-12 बार ऐसे करोगे साइकोलॉजिकल डिस्टर्ब हो जाएगा, सबको काटने लगेगा मोहल्ले में। नहीं काटेगा यार, क्या बिगाड़ा उसने तुम्हारा, तुम जा रहे थे, तुम एक पैर खींच के मार लिया, भाग गए। फिर करो कुत्ता बदतमीज, सबको काटता है। वाली कहानी नहीं पड़ी शेर वाली, रोमन कहानी जो थी कि एक शेर कोई जंगल में घायल था, उसके पैर में कांटा छुप गया था, फिर कोई रोमन था उसने उसका कांटा निकाला, उसके पैर को ठीक किया, बांधा उसे, पता नहीं उस आदमी का नाम हिस्ट्री में कहता मुझे याद नहीं आ रहा। फिर उसे जब राजा ने सजा दी, एंड ही वॉज टू बी थ्रोन इन फ्रंट ऑफ द हंग्री लायंस, व्हेन ही वॉज थ्रोन इन फ्रंट ऑफ द हंग्री लायन, दैट लायन वॉज द सेम लायन टू हुम ही हैज क्योर्ड, तो ही कम्स, ही सीज हिम, भूखा है शेर, लेकिन उसे याद है कि इस आदमी ने एक बार मेरी मदद की थी। ही लीव्स द मैन, दैट स्टोरी इज अ मैसेज कि जानवर के साथ भला करोगे ना तो तुम्हें याद रखे। इंसान बड़ी टेक्निकल चीज है इंसान। अभी मोदी जी घर आ जाए कहेगा अरे सरकार आप आ गए, भगवान आ गया, और रिक्शा वाला के कहते भैया 2 रोटी खिला तो भगा देगा मार के। फिर कहता भगवान हमारी मदद ही नहीं करते, हमसे नाराज है भगवान, तुम बदतमीज हो, इडियट।
He was a man of a rebel sentiment. पढ़े लिखे आदमी थे, विद्रोही थे, उनको प्रेसिडेंट बना दिया. प्रेसिडेंट बनाओ, चलो अंकल जी को प्रेसिडेंट बनाओ. प्रेसिडेंट अंकल जी लिखे तो प्रेसिडेंट. राजेश पायलट पहले ही मर चुके थे. माधवराव सिंधिया खत्म हो चुके थे. शरद पवार पार्टी छोड़ चुके थे. तो द ग्राउंड फॉर राहुल गांधी वाज प्रिपेयर्ड. कि और कोई है सर? नहीं नहीं, बोले राहुल जी तो ब्रह्मा के अवतार है. राजा जो है ना, राजा कि खासकर जो राजा, और राजा को बहुत अलर्ट रहना पड़ता है. बड़े बड़े राजा भिगमंगे हो गए क्योंकि उनका दिमाग नहीं काम करता था. मोहम्मद शाह रंगीला मुगल रूलर, लेकिन विवेकानंद राजा की तरह रहे. तुम दो एग्जांपल देखो, मोहम्मद शाह रंगीला एंड विवेकानंद. विवेकानंद कोई मर्सिडीज नहीं, कोई रॉल्स रॉयस, लेकिन रहे राजा की तरह. सम्मान और पूरी दुनिया में किसकी वजह से? ज्ञान, नॉलेज. और उसके बड़ा, उसके अलावा नॉलेज नहीं, समझदारी. मैं अपने बच्चों को पढ़ने नहीं देता, गुरु सही है, पर मैं डेली एक पैराग्राफ देता हूं कि ये समझ के बता दो, बस जाओ खेलो. जो मुझे पढ़ के समझा देते हैं तब मैं उन्हें जाता हूं, क्योंकि मैं सोचता ठीक है तुम बस एक चीज का डेवलपमेंट करो, समझदारी का. तुम जाके क्लास में डेड की तरह मत बैठ जाना. आई एम वर्किंग ऑन देयर अंडरस्टैंडिंग. मैं ले आता हूं रिक्शा वाले सामने खड़ा कर देता हूं. मैंने कहा देखो रिक्शा वाले, क्यों देखो 10 मिनट खड़ा है. मैंने किसी ने इसको नमस्ते किया? नहीं. क्यों? ये भी तो इंसान है. फिर लगे डीएम बंगले पे, डीएम के साथ बैठा दिया. जो भी आ रहा खड़ा है. मैंने गौर कर रहा, देखो बैठ नहीं रहा है, खड़ा है. पीआरओ सब इंस्पेक्टर खड़े है. जी साहब, जय हिंद सर. एसएसपी अपने बंगले से निकला, दरोगा रोगा सब खड़ा, जय हिंद सर. मैंने कहा ये क्या फर्क है? पावर का. पहले पावरफुल बनो फिर इंसान बनो. अगर सिर्फ इंसान बन गए तब मारे जाओगे. जो तुम मुझसे सुबह कह रहे थे कि मैं सबके लिए काम करना चाहता, भूल जाओ ये सब. सिर्फ अपने लिए काम करो पहले. जब पावर आ जाए तब कुछ भी करो. तुम कल आईएएस के इंटरव्यू में जाओगे और वो इंटरव्यू बोर्ड में पूछेंगे कि क्यों आईएएस बनना चाहते हो? सर मैं समाज की सेवा करना चाहता हूं. दो तीन हाथ मार के भगा देंगे सब. सब बाल पकड़े मारेंगे चटा. समाज की सेवा करें, अपनी कर ही नहीं पा रहे, समाज की सेवा करें. आंसर बहुत रियलिस्टिक होना चाहिए, प्रैग्मेटिक, आइडियलिस्टिक नहीं. तुम्हारी अच्छी बातों से बहुत कमजोर दिमाग के लोग इंप्रेस होते हैं. जो शाही लोग हैं वो तुम्हारी काम की बातों से इंप्रेस होते हैं. जैसे तुम मोदी जी के साथ बैठे और तुमने कहा कि सर झूठ नहीं बोलना चाहिए, भगा देंगे तुमको उठा के. भगा कहा ले गया इसको? है पोड़ेरी ढाबा में काम करता है, भगा उसको यहां से उठा के. और तुमने जाकर उनको कोई फार्मूला बता दिया कि सर अगली बार 400 सीट आएगी, ये फार्मूला लगा दिए. ऐसे बना इसको मेरा ऑफिसर स्पेशल ड्यूटी. और कैसे आयो? पैदल आए सर. पैदल? मुकेश को फोन लगाओ. जी भाई वो तो ऐसे ही कहेंगे ना, वो थोड़ा कहेंगे मुकेश भाई. मुकेश को फोन लगाओ. मुकेश हाँ, मुझे तुम्हारा इंटीरियर के सामने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है, उसमें टॉप फ्लोर वाले बिल्डिंग फ्लैट इसको दे दो. कितने का है? 8.5 करोड़ का. दे दो उसको, जाओ रहो. बाहर एक BMW खड़ी है, दे दो चौपे चाबी, दे दो उसको. बीवी है? ना हो तो उसको भी दिलवाए. गरीब किस बात से? तुम जो देखो, जो जो संत महात्मा प्रवचन करते रहते हैं वहां किसी बड़े आदमी को बैठा दिखाओ. बड़े आदमी आते हैं, फीता काटते हैं, दिया जलाते हैं, चले जाते हैं.
उनको नहीं सुनना ये सब बातें। जितने भी बड़े बड़े पंडालों में तुम जाओगे वहां तुमको सिर्फ गरीब लोग मिलेंगे प्रवचन सुनते हुए। नहीं जाओ, चाहे हिंदू प्रवचन हो, चाहे मुस्लिम प्रवचन हो, चाहे क्रिश्चियन प्रवचन हो। क्रिश्चियन तो करते नहीं, अमीर लोग हैं सब, यही दो लोग करते हैं हिंदू मुसलमान। गरीब तुम्हारी अच्छी बातों से प्रभावित रहता है और अमीर तुम्हारी फायदों की बातों से। जब तुम गरीब से फायदे की बात करते हो वो तुमसे नाराज जाता है, और जब तुम अमीर से अच्छी बात करते हो वो तुमसे नाराज जाता है। इसलिए शरद पवार से मिलने हो तो काम की बात सोच के जाओ, बिठाएंगे तुमको, चाय वाय पिलाएंगे। काबिल जो लोग, काबिल वो किसी के अंडर में नहीं रहेंगे। काबिल आदमी अमीर कासिम कम्स इनटू पावर एंड देन ही स्टार्ट्स रिफॉर्म्स।